मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन चीजों को, महसूस करो इन चीजों को। और फिर हम नहीं देखते कि एक करीमनगर का एमपी है जो भारत की कैबिनेट में वजारत दाखला का मंत्री है, करीमनगर में ये बोल रहा है कि भारत के मदरसों में AK-47 सिखाया जाता झाड़ू के साथ। अरे तुम होम मिनिस्टर हो, इतनी नफरत तुमको क्यों है करीमनगर के एमपी? AK-47 मदरसों में सिखाया जाता, राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद मदरसों में नहीं पढ़े थे? ये कह रहा है मदरसों में AK-47 सिखाया जाता। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस आजादी की लड़ाई में कोर लदा नहीं की थी, आरएसएस के लोग मियां मिट्ठू बनकर बैठे थे, अंग्रेजों से कुर्बानियां हम मुसलमानों ने दी, अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ ये मदरसे वालों ने जिहाद का फतवा दिया था। सुनो करीमनगर के एमपी, करीमनगर के एमपी, अंग्रेजों के खिलाफ अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था, काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी को हुई, उसी काला पानी भी अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस कुछ नहीं की भारत की आजादी की लड़ाई में। मुरादाबाद के वाली में दीन हजरत काफी जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, नाते शरीफ पढ़ रहे थे। तुम नहीं जानते हमारी तारीख को करीमनगर के एमपी, तुमको इस्लामोफोबिया की एक बीमारी है, मुसलमानों से नफरत करना तुम्हारी फितरत है, और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर झूठा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये करीमनगर का इनका कैबिनेट का मंत्री AK-47 सिखाया जाता कहते। अरे तू कह का होम मिनिस्टर है, उस मदरसे में AK-47 निकाला तू? कौन से मदरसे में AK-47 है? हमारे मदरसों में मुड़ी, हमारे मदरसों में बच्चों को जबान से नरम गुफ्तगू करना सिखाया जाता, हमारे मदरसों में बच्चों को अल्लाह का खौफ पैदा किया जाता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा सिखाया जाता है। ये हमारे मदरसे, इन्हों आके बोले AK-47। अच्छा AK-47 आप होम मिनिस्टर है ना, मणिपुर में 800 हथियार पुलिस के लेके भाग गए, अब तक नहीं मिले। अरे जाना वहां पे मणिपुर को तू, मोदी नहीं गए मणिपुर को, वहां पर ईसाई लोगों का, महिलाओं का, खवातीन का रेप हुआ, एक दो नहीं सौवों की तादाद में। पुलिस के जहां हथियार रखा जाता है वहां से 800 हथियार लूट के भाग गए। हम लोग बोलते ना खाजा का लंगर है, लूट के जा, पूरे हथियार लूट के भाग गए। इन्हों बोरे मदरसों में AK-47, जरा मणिपुर को जाओ मंत्री जी, अच्छी सिक्योरिटी रख के जाना, मां नहीं जाएंगे। मगर हमारे मोदी जी क्या किए, मणिपुर जल रहा है, पिछले एक साल के करीब हो गया, यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए एनएसए को भेजे, पुतिन के पास, ज़ेलेंस्की के पास। मोदी जी घर में आग लगी उसको तो बुझाओ,
घर में आग लगी घर की फिक्र नहीं है, यूक्रेन में जंग नहीं होना। क्या एक्टिंग करते, वाह। वहां जेलेंस्की के पास गए, हाथ पकड़ लिए, बहुत खराब हुआ, कितने बच्चे मर गए। मोदी मणिपुर में सौओं की तादाद में ईसाई औरतों की अस्मत रेजी की गई, चर्चिस 100 से ज्यादा चर्चिस को जला दिया गया। आप वहां क्यों नहीं जाते मोदी जी? नहीं, यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे, पुतिन से मिलेंगे। क्या बात है, घर जल रहा है मगर घर की फिक्र नहीं। मर पड़ोसी के घर में झांक रहे, क्या पकड़ा देखता हूं जरा। मोदी जी ये झांकना छोड़ दो, अच्छा नहीं है। अब वो क्या क्या हो गई नहीं मालूम। यूक्रेन, अब आप देखे जश्ने रहमत-ए-आलमीन है। ये जो मक्के के मुशरिकीन ऐसी करते थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत हक देते थे तो सीटी मारते थे। अगर जज्बात के नजारे मजारे करना है तो नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ये होना। अब सुनो, अब